हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पे। आज मैं लेकर आया हूँ तीन बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। सबसे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ताकि ये अपडेट सभी को मिल सके। तो तीन बड़ी अपडेट में पहली अपडेट जो निकल कर आई है लेटेस्ट, वो एक्चुअली साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से निकल कर आई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर की जोन, मतलब बिलासपुर की जो रेलवे जोन है तो वहाँ से निकल कर आई है। एक्चुअली ये एक नया पार्ट पैनल उन्होंने जारी किया दोस्तों। देखिए इसमें टोटल कितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। देखिए लोको शेड में एक्चुअली सिर्फ एक ही का सिलेक्शन हुआ है, रोल नंबर दिया गया है। फिर पॉइंट्स मैन में टोटल पाँच लोगों का सिलेक्शन हुआ है। सिग्नल एंड टेलीकॉम जो SNT डिपार्टमेंट होती है उसमें टोटल एक लोगों का सिलेक्शन हुआ है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन में दो लोगों का, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड फोर में एक का। तो टोटल अगर दोस्तों देखा जाए तो आठ एक नौ हो गया, फिर सॉरी पाँच एक छः हो गया, फिर एक सात आठ नौ और एक दस। टोटल दस लोगों का लिस्ट जारी किया गया है एक नया पार्ट पैनल बनाकर। तो ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से थी संबंधित। और जो दूसरी अपडेट है दोस्तों ये है आपकी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से ही निकल कर आई है, बिलासपुर रेलवे से ही निकल कर आई है। एक्चुअली बिलासपुर रेलवे से ये नोटिस जारी किया गया था कि जो भी मेडिकल में फेल हैं या फिर उनको लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है तो वो लोग अपनी री मेडिकल के लिए अपील कर सकते थे। तो यहाँ पर यही सूचना दिया गया है देखिए कि जिन्होंने री अप मेडिकल के लिए अपील किया था उनसे उनके रिगार्डिंग यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि निम्नलिखित उम्मीदवारों ने केंद्रीकृत अधिसूचना संख्या के तहत लेवल एक पदों के लिए पुनः चिकित्सा परीक्षण हेतु अपील किया था। उम्मीदवारों का पुनः मेडिकल परीक्षण हेतु विवरण निम्नलिखित है। देखिए दोस्तों यहाँ पर टोटल जिन लोगों ने अपील किया था टोटल कितने लोग हैं, सात लोग हैं दोस्तों। तो इन सभी को मेडिकल के लिए बुलाया गया है और इनको यही बोला गया है कि जो भी इस संबंध में उक्त उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि दिनांक 28/6 9:30 रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ बिलासपुर में सभी मूल दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट करें, साथ ही 6 पासपोर्ट कलर फोटोग्राफ लेकर आवें। तो 6 नहीं दोस्तों, लगभग आप लोग 10 या 12 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ले जाइएगा और जो भी डॉक्यूमेंट है वो लोग आप लोग कम से कम दो कॉपी ले जाइएगा साथ में अपने। फिर यदि उम्मीदवार दिए गए अवधि के अंदर रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ बिलासपुर में रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उन्हें पुनः चिकित्सा परीक्षण के लिए अनिच्छुक मानते हुए उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। तो एक्चुअली इनको ये दोबारा मौका दिया गया जिन्होंने अपील किया था, बट अगर फिर भी नहीं जाते हैं तो इसके बाद उनको कोई और मौका नहीं मिलेगा। तो ये सूचना जो भी है बिलासपुर जोन से, आप लोग सभी की जो भी दोस्त कनेक्ट करते हैं, मतलब बिलासपुर जोन से कनेक्टेड हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और उनको ये बता दीजिएगा अपडेट। तो तीसरी जो बड़ी अपडेट है दोस्तों वो चलिए मैं बताता हूँ। ये वाली अपडेट दोस्तों निकल कर आई है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड फोर की स्टूडेंट के लिए, जिनका सिलेक्शन हुआ है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड फोर में TM4 में। तो एक्चुअली उनको एक लेटर भेजा गया था कि मतलब उनका जो ज्वाइनिंग लेटर भेजा गया था तो उनको ये बोला गया था कि 5/6 को, मतलब 5 जून को उनको रिपोर्ट करा था, 5 से 7 जून के बीच में। बट जिनका जो रिपोर्ट नहीं कर पाए उनके रिगार्डिंग ये अपडेट है। तो एक्चुअली इस पर देखिए बोला गया है कि यू हैव हियर बाय एडवाइज टू अटेंड दिस ऑफिस इमिडिएटली ऑन रिसीप्ट ऑफ दिस लेटर फॉर कम्प्लीशन ऑफ प्री रिक्वायरमेंट फॉर्मेलिटीज विदाउट फेल एंड कम्प्लीट द एग्रीमेंट बॉन्ड श्योरिटी बॉन्ड टू कम्प्लीट ऑल रिस्पेक्ट। यू आर ऑल्सो एडवाइज टू ब्रिंग द ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन कास्ट सर्टिफिकेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट एटसेट्रा फॉर वेरीफिकेशन विथ पैन कार्ड। और ऊपर की लाइन एक्चुअली मैंने छोड़ दिया था, देखिए प्लीज़ रिफर टू दिस ऑफिस लेटर ऑफ इवन नंबर डेटेड 5/6/2023 वेयर इन यू आर एडवाइज टू अटेंड दिस ऑफिस 7/6/2023 टू कम्प्लीशन ऑफ प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज बट यू हैव फेल टू अटेंड दिस ऑफिस टिल डेट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स अटैच हियर विथ। तो एक्चुअली यही यहाँ पर बताया गया है कि जो जिनको 5 से 7 तारीख के बीच में अटेंड करने के लिए बोला गया था, ये एक्चुअली अपडेट निकल कर आई है आपकी 16 डिवीज़न की है। तो एक्चुअली यहीं पर ये बोला गया है कि जिनको ट्रैक मेंटेनर ग्रेड फोर में हुआ था सिलेक्शन और जिन्होंने 7 तारीख तक अटेंड नहीं किया, वहाँ पर ऑफिस में रिपोर्ट नहीं किया, उनको अब ये बोला गया है दोस्तों कि देखिए प्लीज़ नोट दैट इफ़ यू हैव फेल्ड टू अटेंड दिस ऑफिस ऑन 26 जून 2023
इट विल बी प्रिज्यूम दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू टेक अपॉइंटमेंट इन ग्रुप डी कैटेगरी एक्सट्रैक्ट मेंटेन ग्रेड फोर। तो उनको 26 तारीख को फिर से डेट दिया गया है, तो 26 तारीख को उनको जाना पड़ेगा और उनका लिस्ट यहाँ पर जारी किया गया है। देखिए साफ साफ यहाँ पर बताया गया है कि प्लीज़ ट्रीट दिस एज मोस्ट अर्जेंट। देखिए फिर उनका लिस्ट जारी किया गया है, टोटल कितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, देखिए दोस्तों 175 कैंडिडेट्स का टोटल सिलेक्शन हुआ है। तो ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो मेरे चैनल पे आप लोग डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और ये पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो यही है दोस्तों, ये पीडीएफ डाउनलोड करके जो भी सोलापुर डिवीज़न के आप लोग के दोस्त लोग हैं उनको शेयर कर दीजिएगा ये पीडीएफ और ये चैनल। तो चलिए मैं मिलता हूँ आप लोग सभी से अगले चैनल पे, अगले वीडियो पे अपने। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी नए हैं ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पाने के लिए, और गुरुवार वार को रेडी रहिएगा दोस्तों, क्योंकि न्यू वैकेंसी के तहत गुरुवार को एक ट्विटर अभियान किया जा रहा है, तो उसमें पार्टिसिपेट लीजिएगा आप लोग जिनको भी नई वैकेंसी के लिए जो भी वेट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।